हेलो भाई लोगों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं माय पापा व्लॉग। तो दोस्तों, ऊपर वाले की मर्जी से और मेरी खुशकिस्मती से आज मैंने रोज़ा रखा है। आज नहीं, मैं नहीं मानता। आज मेरा पांचवा रोज़ा है। वो रोज़ा आज 15 हो गए शायद, जितने भी हो गए, पर मुझे नहीं पता कितने रोज़े हो गए, पर मेरे तो 5 रोज़े हुए हैं। पर शायद आज अल्लाह की शुक्र से मैंने आज रोज़ा रख लिया है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं भी पसंद आती तब भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये भी नहीं पसंद आता तो शेयर तो कम से कम कर ही देना। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मेरा सोने का काम है तो मैं सोता हूँ, फिर मिलते हैं उठने के बाद। आज बड़े बड़े काम करने हैं तो मेरे साथ ब्लॉग में बनी रहिए, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कैसा होने वाला है? बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। पहले तो मैं तो चलता हूँ सोने। और हाँ दोस्तों, आज चांद की रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ठीक है, छोड़िए वो, मैं भी कोशिश से जी बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं तो चलता हूँ सोने और मिलता हूँ आपसे सोने के बाद। टाटा, बाय बाय। ओके ओके, चलते हैं। हेलो गाइस, तो दोस्तों मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अब दुकान पे। और दुकान पे जाने से पहले हमें एक चाहिए सरकारी टीचर के या सरकारी कर्मचारी के नंबर, जिससे हम अपना एक पैन कार्ड बना सकें। पैन कार्ड ही एक रिक्वेस्ट है पैन कार्ड के लिए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार प्लीज़ हमारा ये एक पैन कार्ड बना दीजिए, जिससे हम कहीं भी यूज में ले सके। तो इसीलिए हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट के लिए साइन चाहिए सरकारी अधिकारी के लिए। तो सरकारी अधिकारी के, आज पहली बार ऐसा होगा कि हम सरकारी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, सरकारी अधिकारी हमारे पास आएगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये सिर्फ हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। जलवा है हमारा, राशि कर में जानते नहीं होंगे, अगर नहीं है तो पता, वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ये सब जलवा है हमारा। तो सरकारी अधिकारी आएगा, हमारे साइन करेगा, और मैं एक वीडियो करके दिखाऊंगा आपको उससे, सरकारी अधिकारी किस तरीके से साइन करता है, हमारी दुकान पे आता है साइन करने, जो भी है। पर मैं कोशिश करूँगा जो भी है। तो बातें बहुत हो गई, तो अब चलता हूँ दुकान पे, और दुकान पे वो आएगा साइन करने, तो हम चलेंगे फिर अपने घर। और घर से हम लेकर आएंगे आज क्या, बकरा। बकरे का मतलब गोट बोलते हैं बकरी को, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते होंगे, पर बकरा यानी बकरी का बच्चा, बकरा बकरा बोलते हैं बकरे को जो बड़ा हो जाता है, बकरा कहते। तो दोस्तों बकरा लेकर आएंगे आज हम, मदरसाओं के बच्चों के लिए एक मतलब आयोजन कर रहे हैं, जो भी, अगर नॉन मुस्लिम है तो बता रहा हूँ, बच्चों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए वो क्या है, खाना पीना करवाते हैं मोहल्ले में, मतलब ज़कात निकालते हैं रमज़ान के महीने में, हम ज़कात निकालते हैं। तो इस वक्त में हम बकरे के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दुकान पर, और बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो चलिए दोस्तों बकरा आएंगे तभी बताऊँगा आपको क्या क्या डिटेल में हुआ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट। तो भाई लोगों, दुकान पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर पहले तो मैंने एक छोटा सा काम किया, क्या काम, जॉब ढूंढने वाला काम किया, एक दो से बात भी की, रिज्यूम भी भेजा, और थोड़ी बहुत माथापोड़ी भी हुई आज। थोड़ा सा क्या, रोज़ा लग गया था, तो जब रोज़ा लगा था तो क्या हुआ कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझसे पैसे भी मांगने गया। मुझे लगा कि हमारे यहाँ क्या है, दुकान पे ज़्यादातर उधारी का बिजनेस चलता है, जैसे कि हमारे यहाँ होलसेल का काम करते हैं तो उधारी में काम करते हैं। तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं उसे माल पर माल दिया गया और उसे पैसे नहीं मांगे, पैसे नहीं मांगे। मुझसे तो रेगुलर कस्टमर है, हालांकि वो रेगुलर कस्टमर है, जानता हूँ उसे, पर कोई बड़ी बात नहीं है वैसे तो, वो तो हैंडल कर लेंगे, नंबर है उसे, जानकारी है, और मैंने उसे उधार में दे दिया। एक्चुअली मेरे भाई ने कहा, मुझे आते ही कहा कि पैसे क्यों नहीं लिए उसे, तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम हैंडल कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, यारो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना, वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हमारे यहाँ आएगा साइन करने। एक्चुअली वो आ तो गया था, पर मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा रोज़ा लग गया था। पर मैं सचमुच कह रहा हूँ कि वो वाकई में यहाँ आया था और साइन करने भी आया था, पर वो चला गया। एक्चुअली हमारा जो उनका क्या रिलेशन है कि हम एक ही गांव के बंदे हैं और काफ़ी अच्छे भाईचारा है, वैसे वो अपने भाईचारा है काफ़ी, मतलब कसाई में है हम मिलकर, वैसे हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाईचारा है। वैसे तो कास्ट में तो क्या लिखा है, वैसे हम काफ़ी अच्छा, मतलब रिलेशनशिप भी है काफ़ी अच्छा है। तो फ़ोन करते हुए यहाँ आ गई। एक्चुअली वो भी रोजे से थे, मैं भी रोजे से थे, हमने क्या कि मजाक मजाक में उनसे कहा कि हाँ आ जाओ बड़े, मतलब ज़्यादा जॉब लग गई है क्या, मतलब ज़्यादा बड़े अधिकारी बन गए हो गए, यहाँ नहीं आओगे। तो वो यहाँ पर आ गई साइन करने के लिए। फिर वहाँ पे देखा कि उन्हें साइन नहीं होगा क्योंकि कार्ड चाहिए गया। कार्ड एक आता है कि मतलब ये जो अधिकारी के कार्ड होता है, तो वो कार्ड उनके पास नहीं था। बोले यार मेरे पास वो कार्ड नहीं है, तो एक काम करो तुम पार्षद के साथ जाओ, पार्षद वो कार्ड बना के वही साइन कर देगा, वहाँ से अपना काम हो जाएगा। पैन कार्ड के लिए जो भी एक कार्ड होता है, मुझे नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, आई डोंट नोट।
फिर वहाँ से वो चले गए, अफसोस में अब वहाँ वीडियो नहीं बना पाया। वहाँ से वो चैनल आए तो पर चैनल सब्सक्राइब कर दिया, पर उन्हें उससे नहीं, उन्हें नहीं बताया, उनके छोटे भाई को बताया, काश मैं वहाँ पे वीडियो बना सकता आपको दिखाता, पर अफसोस नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी। जैसा भी, पर आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा मुझ पर कि ऐसा पहली बार ही हुआ कि एक सरकारी अधिकारी खुद हमारे हमारे यहाँ ऑफिस आता है साइन करने। एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है कि साइन करने के लिए हम ही जाते हैं अधिकारी के पास, तो वही आया, तो यही था। और हाँ दोस्तों, बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं चलता हूँ सीधा आईपीएल देखने, और आईपीएल है मज़ेदार, आज राजस्थान का है और दिल्ली का है, मैं मैच बिल्कुल मिस नहीं करने वाला। तो चलिए दोस्तों, मैं तो चलता हूँ सीधा आईपीएल देखने, और आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, और हाँ लास्ट में भी हम मिलेंगे रोजे के बाद, रोजे के बाद आईपीएल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आईपीएल देखने। हेलो गाइस, तो दोस्तों मैच मैंने देख लिया है और अब तैयारी का टाइम हो चुका है, करीबन असर की भी नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, तो थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी, आज क्या रोज़ा लगा हुआ है तो बोलना भी नहीं जा रहा और काम भी ठीक से नहीं हो रहा, यानी दिमाग हो गया मेरा सुन, तो मैं तो चल रहा है तैयारी करने, तो आपके साथ मिलता हूँ मगरिब के बाद, तैयारी करते हैं और आज की वीडियो यहीं कम्प्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहाँ पे, वहाँ पे चलते हैं हम अपने घर में, और घर में मिलते हैं आपसे, बात करते हैं, और आईपीएल पूरा देखना भी, फाइनल थोड़ी अभी, राजस्थान ने 200 रन बनाए हैं, राजस्थान ने 200 के बाद, मुझे लगता है यकीन है राजस्थान ही टीम जीतेगी इंशाल्लाह, हम जरूर अपनी टीम को जिताएंगे, और देखते हैं क्या मैच का क्या रोल होता है, फिर भी हम देखेंगे, फिर मिलते हैं मैच में ही मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा मैच में, पहले हम तैयारी करेंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद चलेंगे मैं आईपीएल देखने। तो बहुत जल्दी 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 बोल रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, रोज़ा खोलने में काफ़ी कम टाइम बचा है, तो फटाफट मैं तो चलता हूँ सीधा अपने घर, और मिलते हैं मगरिब में। तो गाइस, मैं नमाज़ पढ़ कर आ चुका हूँ और तैयारी भी कर ली है, और मैच आपने देखा होगा कितना शानदार मैच हुआ, राजस्थान रॉयल्स का आप 57 रन से जीता, 57 रन से जीती है हमारी टीम राजस्थान की, मुझे पता था जीतने वाली, सालों को ऑल आउट कर दिया दिल्ली वालों को, अब राजस्थानी रजवाड़े जो है एक हालत ख़राब कर देते हैं जो भी है, पर बहुत ही मज़ेदार मैच था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया मैच में। तो दोस्तों तो मैं थोड़ा सॉरी बोलता हूँ, पहले मैं आया आपके साथ आईपीएल नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, उसमें एक डबिंग करनी थी क्योंकि शादी की वीडियो थी, बहुत ही बड़ी शादी थी, जो उसमें क्या है कि 15 करोड़ की शादी थी, बहुत बड़ी शादी, उस वीडियो के चक्कर में मैं आपको आईपीएल भी नहीं दिखा पाया ढंग से, ये वीडियो ब्लॉग भी नहीं बन पाया, तो आई एम सो सॉरी, तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो आज की तो बहुत ही मज़ेदार, तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार था आज का मैच राजस्थान रॉयल्स का, बहुत ही तगड़ा मैच था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, हद नहीं कितना शानदार मैच था, क्या बताऊँ आपको। तो जैसा भी था दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार था, पर अब वक्त आ गया है हमारे ब्लॉग को ख़त्म करने का, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और लोगों से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, ओके चलते हैं दोस्तों।